गुड इवनिंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम पेपर वन पढ़ रहे हैं रेडियो टीवी का, तो वीडियोस तो हम लोगों ने मार्च में पूरा रिवीजन किया ही है। प्री बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी भी किया है, लिखित रूप से भी तैयारी किया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से भी तैयारी किया है, 70% कौन सा कोर्स आने वाला है उसको भी समझा है। लेकिन अभी चूंकि कोरोना की वजह से एग्ज़ाम टल गया है 20 मई तक आप लोगों का, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे 20 मई तक। और थोड़ा थोड़ा आप लोग भी पढ़ते रहें, वीडियोस अगर अच्छा लगता है तो वीडियोस सुने, नए वीडियोस भी सुन लें, पुराने वीडियोस भी सुन लें, और उन 2019 वाले भी वीडियो सुन लें, 20 वाले भी सुन लें, 21 वाले भी सुन लें, और जो करंट चल रहे हैं ये भी सुन लें। साथ ही साथ मैं इसके पेज भी आपको देता जा रहा हूँ ताकि आपका कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और जो कम से कम लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिखना अपना नहीं रहता है। सामान्य आधारित विषय एक तरह टेक्निकल पेपर ये है। सामान्य आधारित विषय में भी आपको 5-10 लाइन मैंने ख़त्म ही कर दिया है पढ़ा के। और ये आपका रेडियो टीवी चल रहा है तो सेकंड पेपर आपका है जिसमें विद्युत चुंबक जिसे कहते हैं, तो विद्युत मतलब आपकी एसी से मतलब है यहाँ पे, और चुंबक आपका इसी पे ट्रांसफार्मर काम करता है। बहुत सी चीज़ें चुंबक पे काम करती हैं लेकिन ट्रांसफार्मर विशेष रूप से, जिसको आप चैप्टर में भी देख लें, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण दो खंड में एक क्वेश्चन है आपका, एक खंड दो खंड, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। प्रत्यावर्ती धारा वही अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं, और वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, जो कि आप पंखे में लगाते हैं तो देखे होंगे धारिता, तो वो करंट को एब्जॉर्ब रोकती है और फिर ज़रूरत पड़ने पे देती है। अगर वही आप कैपेसिटर को जो आपका पंखा वाला है उलट दें तो पंखे की चाल उलट जाती है। वैद्युत चालन वही आपका धारा के प्रवाह, सॉरी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम धारा कह लेते हैं। तो आसानी से समझने वाला पेपर है, और इसमें हम देखते हैं क्या है। तो पहले तो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का अब क्या मतलब है, तो वैद्युत आवेश को ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा होती है। सही बात है, वैद्युत धारिता क्या है, आवेश को ग्रहण करती है। आवेश का मतलब क्यू, एक तरह से क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू बराबर आई माने धारा, टी समय, तो क्यू आवेश हो गया और आई धारा हो गई, कितने समय तक गई वही आवेश हुआ। और यही आवेश जो है जब कोई कैपेसिटर ग्रहण करता है तो इसी क्षमता को हम वैद्युत चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, और इसको जब हम दिखाते हैं तो क्यू इक्वल टू सी वी, तो ये क्यू इक्वल टू वोल्टेज के समानुपाती होता है, तो यही हमारा सी जो है कांस्टेंट के रूप में लगता है, इसी को हम धारिता कहते हैं, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। और इसी तरह वी का मात्रक वोल्ट हो गया और सी का मात्रक आपका जो है फैरेड कहा जाता है इसको, इसका मात्रक देखिए 1 फैरेड बराबर, और ऊपर इसका क्यू का मात्रक कूलाम होगा, नीचे वी का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, तो कूलाम पर वोल्ट ये फैरेड इसे हम कहेंगे। और इसे हम माइक्रो फैरेड अगर कहेंगे तो माइक्रो फैरेड में भी आते हैं कैपेसिटर, तो 10^-6 मिली अगर कहेंगे तो 10^-3, तो मिली माइक्रो नैनो पीको, तो 3, 6, 9, 12 याद रख लीजिए, मिली माइक्रो नैनो पिको। आगे होगा भी देख लेते हैं, देखिए ये पिको फैरड है आपका, 10^-12 मिली माइक्रो नैनो पिको। तो उसी तरह से एक सवाल पूछ सकता है आपसे कि पृथक गोलीय चालक की धारिता आप बताइए, तो सीधा सीधा इसका आपको सूत्र आता है, तो ये सी बराबर 4π ε₀, 4π ε₀ के ए, ए क्या है हमारा गोले की त्रिज्या बस, और बाकी का मान फिक्स है। बाकी का मान 4π ε₀ कूलाम के नियम में आप देखेंगे तो वीडियोस में पिछले, तो 1/9×10^9, और धारिता ए का त्रिज्या अगर सेंटीमीटर या मीटर में होती है, तो अगर आपको मीटर में दी हुई है तो ये आपको यहाँ आप रख देंगे, तो आपको ये सूत्र अक्सर पूछ देता है कि पृथक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र बनाइए, तो ये आपका
गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या ए है, तो इसका वो कैपेसिटर कितना होगा कैपेसिटर, तो 4πε0 के ए होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। और इसी तरह से आपसे पूछ सकता है आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा को बताइए, तो इसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, और किसी चालक के किसी आवेश को आवेशित करने में जो आप काम करते हैं वही उसका स्थिति ऊर्जा होता है। मतलब किसी चालक को अगर आप आवेशित कर रहे हैं तो जो कार्य आपको करना है उसे ही हम स्थिति ऊर्जा कहेंगे। और इस स्थिति ऊर्जा को आप शार्ट में फार्मूला देख लीजिए, यू बराबर 1/2 क्यू वी या बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर या बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर सी। तो वही मतलब क्यू की जगह आपका सी की जगह क्यू वी का मान रख दे रहा है, ये देखिए इसमें यहाँ पर मान रख दिया तो सी आ गया, वी घाते वी स्क्वायर हो गया, यही करके। लेकिन ये फार्मूला आप याद भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, मैं पेज दूंगा आपको, आप आराम से समझ जाएंगे। इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस इसके अंदर और भी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि संत कैपेसिटर क्या होता है, तो चालक का आकार बढ़ाकर तथा चालक का विभव कम करके, मतलब अगर वैद्युत धारिता को जो है बढ़ाया दो तरीके से जा सकता है, चालक का आकार बढ़ा दीजिए या उसका वोल्टेज कम कर दीजिए, क्योंकि C इक्वल टू क्यू बटा वी होता है, तो वी को जब आप कम करेंगे तो सीधी सी बात है सी आपका ऊपर जाएगा, और आवेश को अगर आप बढ़ाएंगे तो सी भी बढ़ेगा, दोनों दशा में तो विभव आपका कम करना होगा और आवेश को ऊपर आवेश रहता है आवेश को कटाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं आपका संधारित्र एक ऐसा समायोजन है कि जिसमें किसी प्रकार के चालक के आकार में परिवर्तन बदलाव किए बिना उसका विभव स्थिर विभव सॉरी कम करके चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है, तो इस समायोजन को आवेश की पर्याप्त धारा मात्रा संचित की जा सकती है, तो इस समायोजन से आप संचित कर सकते हैं। आगे हम इसको पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल में, तो ये समझ में आ जाएगा आपको और अच्छी तरह से। और ये निर्भर किस पे करता है, देखिए इस तरह का आपका रहता है तो सीधी सी बात है बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, प्लेटों का जो क्षेत्रफल है मोटा है पतला है उस पर निर्भर करेगा सी जो है आपका, तो प्लेटों के क्षेत्रफल के आपका जो है इस पर निर्भर करेगा, अनुक्रमानुपाती सीधे समानुपाती होगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे धारिता बढ़ेगी। दूसरा अगर आप देखें तो उनके बीच की दूरी पर, अगर यही आपका धारिता है तो इसके बीच की दूरी जो होगी तो ये उल्टा होता है, सी इक्वल टू 1/D, ये अक्सर पूछता है आपसे ये सवाल। और उनके बीच में जो के लिखा था हमने तो वो कांच भी हो सकता है, माध्यम होता है, हवा भी हो सकता है, कांच हो सकता है, पैराफिन हो सकता है, मोम तेल आदि कुछ भी हो सकता है, तो वो उसके डायरेक्ट समानुपाती होता है, और एरिया के सीधे समानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका और परावैद्युतांक आपसे पूछ सकता है कि ये विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं जिसे जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन में आकर्षण में इतने कस के बंधे होते हैं कि ये इनके अंदर धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, इसे हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं परावैद्युतांक भी कहते हैं। तो इस तरह से इसे भी आप समझ सकते हैं। और भी अगर आगे बढ़ें हम देखें तो मैं कुछ पेज आपको इसमें इम्पोर्टेंट दे दूंगा ही दूंगा, और जो कि आपके 70% कोर्स को कवर कर रहे हूँ, क्योंकि लंबे सवाल इसमें आने वाले नहीं इस बार, और छोटे छोटे देखिए संधारित्र का समायोजन, तो ये देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इसे हम जैसे एक से यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में मतलब यहाँ से अगर धारा बह रही है इसमें भी वही धारा जाएगी, इसमें भी वही धारा जाएगी, इसमें भी वही धारा जाएगी, और बाकी इतनी धारा 5 एम्पियर की अगर गई तो इसमें भी जाएगी, इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5 यहाँ 5 पर निकल जाएगी, तो इस तरह के समायोजन को हम समानांतर क्रम कहेंगे सॉरी श्रेणी क्रम कहेंगे, क्योंकि धारा इसमें सब में समान है इसलिए इसे हम श्रेणी क्रम कहेंगे। और इसका सूत्र भी बड़ा आसान है, आप ध्यान से देखें तो सूत्र बड़ा आसान दिखेगा आपको, ये रहा सूत्र आपका 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मान लीजिए 3 ठो जुड़े हैं, अगर आपके तीनों का मान 1 ओम है तो 1/1 1/1 1/1 तो ये हो गया एक तरह से 3/1 हो जाएगा,
और इसको जब उल्टा करेंगे ऊपर, सी ऊपर जाएगा तो 3 नीचे आ जाएगा, तो 1/3, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। ये सवाल छोटा सा आ सकता है कि श्रेणी क्रम में आप कैसे जोड़ते हैं, उसका सूत्र लिखिए। तो ये श्रेणी क्रम में हो गया। समानांतर क्रम में बस वही धारा अलग अलग बह जाएगी। यहाँ देखिए समानांतर क्रम में इसने उसी चीज़ को इस तरह से जोड़ दिया है। अब यहाँ से आप धारा डालेंगे तो एक कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ धारा इसमें जाएगी, फिर इससे उधर निकलेगी, उधर निकलेगी, इधर निकलेगी, लेकिन अंत में फाइनल 1 निकलेगी। तो सब में अलग अलग धारा हो जाएगी। इसका सूत्र और ये हो जाता है कि सी बराबर, अगर समानांतर क्रम में जुड़ा है तो C1 + C2 + C3, तीनों का मान उठा के जोड़ दीजिए, वो आपका 1 मान के बराबर हो जाएगा। तो समानांतर क्रम में ये भी क्लियर हो गया आपका। आगे और देखते हैं इसके अंदर, ये जरूर आता है समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जोड़िए और बताइए, समझाइए, ये अक्सर पूछता है। और इसका व्यवहारिक उदाहरण भी अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक उदाहरण है कि आपका रेडियो में जो आप रेडियो बजाते हैं उसको स्टेशन पकड़ाते हैं, घुमाते हैं, तो वो वहाँ पे इसका उपयोग होता है। वो अभ्रक का या कागज़ का संधारित्र बना होता है, कुछ परिवर्ती भी होते हैं, वायु संधारित्र जिसे हम कहते हैं, ये अक्सर रेडियो में अक्सर इसी को पाया जाता है, परिवर्ती जो होते हैं। और वैद्युत अपघटन वाले भी होते हैं जिनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, जहाँ विभवांतर बहुत कम होता है ऐसी जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है। मैक्सिमम परिवर्ती वायु गैंग कैपेसिटर, इसे हम गैंग कैपेसिटर सॉरी वेरिएबल एयर कैपेसिटर कहते हैं, वेरिएबल मतलब परिवर्तन, तो और इस तरह से यहाँ प्रयोग किया जाता है। और इसका एप्लीकेशन अगर आप देखें तो आवेश के संचयक के रूप में, आवेश को अगर आपको इकट्ठा करना है तो इसका प्रयोग आप करेंगे, ऊर्जा के संचालक के रूप में आप इसका प्रयोग करेंगे, वैद्युत उपकरणों में इसका प्रयोग करेंगे, और कुंडली में, प्रेरक कुंडली में पंखा जो लगा हुआ है, बिजली के पंखे में उस जो वैद्युत मीटर लगी हुई है उसमें भी इसका उपयोग होता है, आपके घरों में आपने देखा होगा। तो इस तरह से एक छोटा सा चैप्टर है विद्युत धारिता, और इसके अंदर जो है आपका वही सवाल आपका इसी तरह से छोटा समानांतर क्रम में श्रेणी क्रम में, देखिए ये आपका आ गया, ए और बी के बीच समान जो है कैपेसिटर क्या होगा, ये दोनों श्रेणी में लगे हुए हैं, तो 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 बराबर 1/C हो जाएगा, और ये फिर इसके समांतर हो जाएगा, तो समांतर होगा तो वही C बराबर C + C1, सीधे इसका उत्तर मुझे जवानी दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह से इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। यहाँ भी एक देखिए एक बना के दिया हुआ है, तो ये दोनों तो सीधे आपको श्रेणी में नज़र आ रहे हैं, तो देखिए श्रेणी में नज़र आ रहे हैं तो 1/3 + 1/6 कर लिया, तो ये 3/6 हो गया। तो इसको उल्टा करेंगे आप तो C = 2 माइक्रो फैरड हो जाएगा। अब यहाँ 2 माइक्रो फैरड हुआ तो ये इसके समानांतर में हो जाएगा, तो 2 और 8 ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 8 10 हो जाएगा। तो सिंपल सवाल है इसके अंदर समानांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। और फिर इसके बाद इस पर छोटे छोटे 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे पिको फायरेड का मात्रक है, किसका मात्रक है, पिको फायरेड वैद्युत धारिता का मात्रक है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, प्लेट पर तो करती ही है और आकृति पर भी करती है, उनके बीच की दूरी पर करती है लेकिन उनके आवेश पर नहीं करती है, और इसका मात्रक क्या है तो कूलाम पर वोल्ट है। इस तरह के छोटे छोटे आपको सवाल भी आते हैं, संधारित्र क्या है, परावैद्युतांक पदार्थ क्या है, और जर्मेनियम अभ्रक में कौन सा पदार्थ है, वही डाइइलेक्ट्रिक है आपका। तो इस तरह के छोटे सवाल भी हैं, तो आप क्वेश्चन से मुझे पूछ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं, अपना कमेंट में भी दे सकते हैं, मैं आपको हमेशा 24 घंटे अवेलेबल हूँ, और इस पे आप अपने कमेंट्स को भी दे सकते हैं, फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं, चारों तरफ से आप बात कर सकते हैं। इसमें आपको मैं पेज देता हूँ, पेज को पढ़ें, जो भी इम्पोर्टेंट पेज है मैं आपको डालता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया छात्रों, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहा था, 15 मिनट के अंदर ही वीडियो रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मैनी मैनी थैंक्स आज के लिए, और पेज मैं आपको दे रहा हूँ इसके।